What's up? Welcome back to my YouTube channel. आज है Saturday night और Saturday night को घर पे तो खाना खाए ये तो पाप हुआ ना. तो आज हम आए हैं दे अफगान. पहले मुझे लगा था इसका नाम दे अफगान है, बट इसका नाम है दे अफगानान, जहाँ पे हमको अफगान कुजीन मिलेगा. तो ये जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और ये फ्रीमॉन्ट में लोकेटेड है, तो आज मैं पहली बार यहाँ पे जाऊँगी. मेरे पति जी ने कहा है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और एक्चुअली शक्ल देख के भी इट डजेंट लुक लाइक इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट, लग रहा है कि बहुत ही सिंपल सा रेस्टोरेंट है. तो आज यहाँ पे जाते हैं और खा के देखते हैं कि खाना कैसा होगा. सर लेट्स गो. तो आप देख रहे हो कि सर फ्रीमॉन्ट ना एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आपको मिलेगा. आपको इंडियन काफ़ी मिलेगा फ्रीमॉन्ट में. इनफैक्ट इंडियंस काफ़ी रहते हैं, अफगान है, इटालियन मिलेगा. और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे माय हस्बैंड यूज्ड टू ईट वेरी ऑफन व्हेन ही यूज्ड टू लिव हियर. और अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं एंड यू लुक एंड मतलब एक्चुअली में बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा नॉट रियली फैंसी और ऐसा सिंपल सा रेस्टोरेंट ये लग रहा है. चलो लेट्स गो. अब दरवाज़ा देख रहे हो और बहुत ही अच्छा प्यारा सा इंटीरियर भी लग रहा है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल और हमें यहाँ पे अब सीट मिल गई है बैठने के लिए. तो मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ा इसके बारे में. जो इनके ओनर है, सो इट्स अ फैमिली ओन रेस्टोरेंट, एक लिवरमोर में है, एक इनका आउटलेट सैन फ्रांसिस्को में है और एक फ्रीमॉन्ट में है. ये फर्स्ट ओपन द रेस्टोरेंट इन 1994 आई गेस. और जो इनके ओनर हैं वो काबुल से हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया. सो इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस. और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. अभी हमें मेन्यू कार्ड नहीं मिला है, तो जैसे ही मिलता है आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे फूड आइटम्स क्या क्या है. तो आप देख रहे हो ये है मेन्यू कार्ड. और मुझे मेन्यू कार्ड देख के ना एकदम इंडिया के जो लोकल रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड मिलते हैं ना वो तो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं. तो एकदम मुझे ना ऐसे इंडिया की याद आ रही है. तो एपेटाइजर्स है ये, हमने मंगाया ये पोटैटो कोलानी. तो माय हस्बैंड इज सेइंग कि ये एक बहुत बड़ा नान फिल्ड विद पोटैटोज, ये वैसे आएगा. एंड वी मे बी ऑर्डरिंग ईदर चिकन कबाब और लैम कबाब. और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कबाब के साथ ये राइस, सम पोटैटो सैलेड, ब्रेड, ये सब चीज़ें साथ में सर्व करेंगे. और ये वेजिटेरियन में है, डेजर्ट है एंड दीज आर दी बेवरेजेस. सो गाइस जो रेट है वो डिसेंट है, कोई महंगा नहीं है. यहाँ के हिसाब से जो खाने का रेट है वो एकदम डिसेंट है. तो हमने ऑर्डर कर लिया है और अभी वेट कर रहे हैं खाने का. जैसे आएगा आपको दिखाएंगे. ओके गाइस, तो ये है हमारा बुलोनी आलू पोटैटो पोटैटो बोलानी नॉट बुलोनी. और एक्चुअली में जैसे हमारे पराठे नहीं होते जो करनाल में मिलते हैं, जैसे ढाबों में, करनाल के ढाबों में, तो ये मेरे को बिल्कुल वैसे लग रहे. और साथ में हमें मिली है दही और चटनी. तो एक्चुअली में इंडिया की यादें ताज़ा हो गई. और जैसे वहाँ पे रात को ढाबों में जैसे खाना मिलता था खाने, मुझे बिल्कुल ना वैसा अभी डेजा वो हो रहा है. तो गाइस फीलिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. ये स्प्रिंग अनियंस मुझे दिख रहे हैं, अनियंस पोटैटो. ओह, सो इट्स नॉट स्प्रिंग अनियन, इट्स स्नेक. और खा तो हम ऐसे ही रहे हैं, इसको प्लक किया, डिप किया और खा लिया. और ये आ गया है हमारा टू डिफरेंट टाइप ऑफ कबाब, एक है चिकन और एक है लैम. साथ में सैलड है, पोटैटो सैलड बोला था उन्होंने अभी, ये पोटैटो सैलड तो लग नहीं रहा. और ब्राउन राइस है. तो ये चिकन है और ये बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ही अच्छे से सीजन किया हुआ है और एकदम सॉफ्ट और जूसी है. और तो हम सब कुछ चेक कर गए हैं
पर ये जो मैं तो इनको बोलूँगी आलू के पराठे, ये हमने सारे नहीं खाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे और अब ये हम कल ले जाके इनका ब्रेकफास्ट करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे कोई करी नहीं थी, सिर्फ कबाब के साथ यहाँ पे आपको चावल वगैरह यहाँ पे हाथ में सर्व हुआ था। तो प्रॉबेबली शायद अफगान लोग में इतना करी का कल्चर नहीं होगा, जैसे हमको सब्जी चाहिए और अगर हमको चावल खाने हैं तो हमको वी वॉन्ट टू ईट अलॉन्ग विद सम ग्रेवी वाला सब्जी, बट शायद इनके कल्चर में आई डोंट नो मे बी कबाब के साथ ये राइस खाते होंगे। लेकिन खाना बहुत अच्छा था एंड बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था और बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो टू गो का सिस्टम होता है, आपको एक डब्बा दे देंगे और उसके अंदर आपका जो भी लेफ्ट ओवर है वो आप डाल दो और आप लेके चले जाओ, जैसे कि हम अपने परांठे लेके जा रहे हैं। ये उन्होंने हमें डब्बा दिया, इसके अंदर हमने ये अपने परांठे डाले और पैक कर दिया। सो दिस इज़ टू गो दैट वी आर गोइंग टू टेक अलॉन्ग विद अस। तो जो हमारा पूरा बिल था वो था $35, जिसमें 16-17 डॉलर तो वही लैम के थे, कबाब की जो आइटम थी वो थी, $8 बलोनी या जो भी था वो पराठा वो था, और $3 था उसका हमने एक ड्रिंक लिया था, और बाकी इसके अंदर टैक्स एक्स डाल के टोटल 34। सो गाइज आई होप दैट यू एंजॉयड दी वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके खाना खा के। आई होप आपके मुँह में भी थोड़ा थोड़ा पानी तो आ गया होगा। अगर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी कुछ अफगान कुजीन है तो प्लीज़ ट्राई करो, और मेक श्योर दैट यू लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।